टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स जो बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का और काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं कि कब आ रहा है रिज़ल्ट, तो फाइनली उनका जो वेट है वो ख़त्म हो रहा है और जो रिज़ल्ट की जो न्यूज़ है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं कि क्या न्यूज़ आई है और कब रिज़ल्ट आएगा, कितने बजे आएगा। तो कुछ न्यूज़ आप देखते हैं, एक बार देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा का रिज़ल्ट आज या कल जारी होगा। तो रिज़ल्ट का जो कंफर्म डेट है कि रिज़ल्ट कब जारी होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ में आ चुका है कि 10वीं बोर्ड और प्रवेशिका का कल जारी होगा परिणाम। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो खबर है वो आ चुकी है कि जो आपका परिणाम है वो 29 मई, वैसे पहले इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी कि मई के लास्ट वीक में जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, तो फाइनली 29 मई को जो है आपका रिज़ल्ट आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिज़ल्ट जारी होने वाला है और राजस्थान बोर्ड 10वीं बोर्ड का रिज़ल्ट 29 मई शाम को 5 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब रिज़ल्ट की न्यूज़ तो आ चुकी है, अब कल आपको रिज़ल्ट अपना देखना कैसे है उसकी भी बात करते हैं कि आप किस तरह से जो अपना रिज़ल्ट है वो खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल साइट है। तो अब गूगल पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि rajeduboard.rajasthan.gov.in इस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट में जो इंटरफेस दिखेगा इस तरह का, ये जो फर्स्ट साइट है ऑफिशियल साइट है राजस्थान बोर्ड की, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो इस पे आप टिक करके और जो है डायरेक्ट खोल सकते हैं। उसके अलावा अगर ये नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट जो है वो BSER करके भी सर्च कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ से भी आप अगर सर्च करेंगे तो ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वाली जो साइट है वो ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह से आपको पेज जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे काफ़ी सारी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगी। तो अभी जो पहले जब रिज़ल्ट जारी हो जाएगा आपका, तो आपका रिज़ल्ट का जो मेन पेज है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे न्यू अपडेट्स में आपको देखना है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो सारी शो कर रही हैं, लेकिन आपको जो फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है कि मेन एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट 2024, तो इस पे आपको टिक करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे अभी शो कर रहा है सीनियर सेकेंडरी साइंस का रिज़ल्ट, कॉमर्स का एंड आर्ट्स का। तो अभी जो आपका टेंथ क्लास का रिज़ल्ट आया नहीं है इसलिए यहाँ पे वो जो साइट है वो शो नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ट्वेल्थ की हो रही है। कल आपका रिज़ल्ट जब जारी हो जाएगा तो यहाँ पे जो टेंथ क्लास की भी जो साइट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो आपकी वाली जो रिज़ल्ट की साइट होगी उसको आपको इस तरह से टिक करना होगा, और जब आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे ये इस तरह से दिखाई देगा कि जैसे ये सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट है, ऐसे आपको वहाँ पर शो होगा सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट 2024। और वहाँ पे ये रोल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा जिसमें आप इस तरह से यहाँ टिक करके अपना रोल नंबर भर सकते हैं, और रोल नंबर भर के और आप सबमिट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ओके, समझ में आ गया होगा आपको, वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। और अगेन बेस्ट ऑफ लक।